बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा ममालिक कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इसमें वो एक दूसरे की गुड्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैरिफ कंसेशन देते हैं, यानी टैक्सों में रियायत देता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो टैक्सेस है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से गुड्स पर या सर्विसेज पर ये टैरिफ कंसेशन दी जाए और कौन से गुड्स पर ना दी जाए। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो ये है कि दोज गुड्स विच आर ओरिजिनेटेड इन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री विल बी एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टैरिफ कंसेशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह सर्टेन किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेडिंग पार्टनर की कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट किसी दूसरे मुल्क में ओरिजिनेट हुआ है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हर ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ रूल्स दिए जाते हैं जिनको रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली ये किसी भी प्रोडक्ट की नेशनैलिटी, इकोनॉमिक नेशनैलिटी को डिटरमिन करता है, यानी इसमें ये बताया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाएगा कि ये उस मुल्क में इनिशिएट हुए और कौन से प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है? जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं दो या दो से ज्यादा ममालिक, तो उसमें ही ये रूल्स ऑफ ओरिजिन डिफाइन किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ट्रेड एग्रीमेंट है। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। नंबर वन, रूल्स ऑफ ओरिजिन में सिर्फ वो प्रोडक्ट शामिल होंगे जो होली ऑब्टेंड होंगे, यानी जो एक ट्रेडिंग पार्टनर के कंट्री में ज़रा मटीरियल भी पैदा होते हैं और फिर उसको फिनिश गुड में भी वहाँ पे ही कन्वर्ट किया जाता है, यानी किसी दूसरे मुल्क में उसका कोई सप्लाई चेन नहीं है। एक मुल्क में चीज़ पैदा होती है और फिर उसको फिनिश गुड में उसी मुल्क में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम होली ऑब्टेंड प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको एक जो एक मुल्क में पैदा होते हैं और फिर उसको सफिशेंटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है लेकिन वो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होते, इसके बाद वो किसी दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट होते हैं जो ट्रेडिंग पार्टनर नहीं होता और वहाँ पर उस पर मजीद प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो एक मुल्क में पैदा हुई और उसको फिर सफिशेंटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कम्प्लीटली नहीं सफिशेंटली, और फिर वो किसी और मुल्क में जाके उस पर मजीद प्रोसेसिंग होती है, तो क्या ये चीज़ें भी कंसिडर की जाएगी फॉर टैरिफ कंसेशन? यानी विल दिस गुड बी ट्रीटेड एज गुड्स ओरिजिनेटेड इन द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ अ ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री आर नॉट। तो इस पैरामीटर को हम कहते हैं सफिशेंटली ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट। ठीक है, फिर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये एक थर्ड पैरामीटर है। इसमें फिर ये बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट जो एक मुल्क में इनिशिएट होता है और उस पर एक खास किस्म के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किए जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस मुल्क में नहीं होता, पैदा तो है उसी ट्रेडिंग पार्टनर के टेरिटोरियल बॉर्डर में वो प्रोडक्ट होता है लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो स्पेसिफाइड है वो उसमें नहीं होता, तो फिर वो उसमें आया कंसिडर किए जाएंगे या नहीं एज अ प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड इन द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। तो इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका जो फोर्थ पैरामीटर है वो है रीजनल वैल्यू कंटेंट। इसमें ये बताया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को एज अ प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड इन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कंसिडर किया जाएगा जिसकी जो वैल्यू एडिशन है एक खास परसेंटेज तक उसी मुल्क में की जाती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और चाइना का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें ये बताया गया है कि हर वो प्रोडक्ट जो चाइना या पाकिस्तान में ओरिजिनेट होगा और फिर उसकी वैल्यू एडिशन 40% तक की जाएगी, इसकी जो फिनिश्ड वैल्यू की प्रोडक्ट उसकी 40% तक की जाएगी, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा इस गुड्स ओरिजिनेटेड इन द पार्टनर कंट्री, इन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। और इसकी भी फार्मूला ये है कि नॉन ओरिजिनेटिंग वैल्यू, यानी जब ये कमोडिटी पैदा हुई जिस मुल्क में तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, जरा मटेरियल,
फिर डिवाइडेड बाई एफ ओ बी प्राइस यानी फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ठीक है, यानी जब उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके साथ कॉस्ट और इंश्योरेंस सब चीजें शामिल की जाती है और बोर्ड किया जाता है, तो वो वैल्यू एन 200, तो अगर ये 40% से ज्यादा आ रहा है तो फिर वो चीज कंसिडर की जाती है एज अ प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड इन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री, ठीक है। तो ये फॉर पैरामीटर्स है। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके जो बेनिफिट है वो ये है कि इससे तो एक हम आसानी से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस मुल्क में ओरिजिनेट हुआ और फिर उसी के बेसिस पर टैरिफ कंसेशन दी जाती है, और जब टैरिफ कंसेशन दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो इम्पोर्टिंग कंट्री के मुल्क में उस चीज़ की कीमत कम होगी और वो मतलब उसका जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो कम्पिटिटिव ट्रेडिंग कर सके, यानी मार्केट में एक सब्सटेंशियल शेयर को ऑक्युपाई कर सके। लेकिन इस सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका जो सप्लाई चेन के टीयर्स है वो स्केटर्ड होते अक्रॉस द ग्लोब इन मिनी कंट्रीज, तो ऐसी सूरत में ये सर्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये प्रोडक्ट किस मुल्क से ओरिजिनेट हुआ। इसके अलावा ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जो सप्लाई चेन के टीयर्स होते वो मुख्तलिफ कंट्रीज में स्कैटर्स होते हैं, तो फिर इसकी मल्टीपल इन्वॉइसिंग भी होती है बिफोर रीचिंग टू द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। तो जब मल्टीपल इन्वॉइसिंग होती है तो आप जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी फिर ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो किस तरह इसको इस प्रोडक्ट डिक्लेयर करें या मतलब इस सर्टेन करें कि ये ट्रेडिंग पार्टनर के कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है या नहीं। और इसके अलावा जो भी ममालिक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हर किसी के अपने अपने रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, तो डाइवर्स रूल्स ऑफ ओरिजिन है, इसकी वजह से भी काफ़ी पेचीदगी पैदा होती है। अब इन पेचीदगियों से बचने का क्या तरीका है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए वजह करे और फिर तमाम ममालिक बॉन्ड होकर वो इनको फॉलो करें विद मिनिमल एंड स्लाइट चेंजेस, ठीक है। तो उम्मीद है आप रूल्स ऑफ ओरिजिन को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।